हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग जो है ना कल का ही है, लेकिन कल मैं एडिटिंग नहीं कर पाई तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को आज गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो ये जो है ना कल रात की, मतलब 7 बजे के आसपास की है। तो यहाँ पर मैं आटा मिला रही हूँ। तो आज जो है ना मेरा पता नहीं खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, थकावट सी लग रही थी। तो इसीलिए मैं ना पहले सोची कि पहले मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए और सब्ज़ी तो मतलब कि चढ़ा दो फिर इधर उधर टहल के बना लो, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट आटा मिला के यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और सब्जी जो है ना वो भी मैंने कट भी नहीं किया है। तो सब्जी जो है ना मैं आलू और सेम की बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मतलब कि कल तो थर्सडे था, तो गुरुवार को जो है ना मेरे यहाँ बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, मतलब कुछ भी हो लहसुन प्याज नहीं बनता है उस दिन। तो जो है ना, और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मतलब क्या चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँ बिना लहसुन प्याज की बनानी है। तो मैंने सोचा चलो आलू और सीम की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और टमाटर है तो थोड़ा सा उसको मैं ग्राइंडर करके ग्रेवी में थोड़ा सा जो कि अच्छा लगे तो मैं वही डाल दूँगी। तो मसाले में मैंने कुछ भी नहीं, बस जीरा मिर्च और लाल मिर्च ली थी, और लहसुन तो लेना नहीं था, और 2 टमाटर लिए थे। तो बस मैं मसाले को रेडी करके रख लूँगी, लेकिन अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बना ली, और फिर गैस जो है ना मतलब कि रोटी बनाने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत आटा इधर उधर फैल जाता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं गैस को क्लीन कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी को कटिंग करूँगी फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मतलब कि पूरा फैल गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं क्लीन कर ली हूँ, और थोड़े से कुछ बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन भी मैं धो लेती हूँ, तो फिर सब्ज़ी ही बचेगा ना, तो वो तो मैं मतलब कि चढ़ा के उसके बाद जो है ना इधर उधर बाबू को लेके भी मैं कर लूँगी। तो क्योंकि बाबू भी जो है ना रह नहीं रहा था, रो रहा था, तो इसलिए मैं भी सोची कि जल्दी से कर लूँगी, तो उसको थोड़ा सा टहला भी दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन क्लीनिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी को कटिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, एंड जो पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, मैं फटाफट सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीम आलू की सब्ज़ी कटिंग कर ली है। तो ये टमाटर है, पहले से आधा कटा हुआ था ना, तो मैंने सोचा इसे भी ले लेती हूँ, नहीं तो ये मतलब ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दी है, और मसाले में मैंने अभी रेडी नहीं किए हैं, तो मैं मसाले ही रेडी करूँगी। तो यहाँ पर तब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, और इधर मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ग्राइंडर ले लिया है, और अब जो है ना मैं टमाटर लूँगी, और जीरा मिर्च, धनिया लूँगी, लाल मिर्च लूँगी, और यही सब ले कर मुझे मैं ग्राइंडर कर लेना है, क्योंकि और ज़्यादा कुछ स्वाद देना नहीं है। आज ना मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी जो है ना मतलब कि बहुत बोर लगता है यार, सुबह वही खाना, शाम वही खाना। हम हाउसवाइफ को संडे को भी रेस्ट नहीं मिलता है ना, तो कभी कभी ना तंग आ जाती हूँ, लगता है मतलब हाउ परेशान हो गई, अब नहीं बनाना, आज रेस्ट करना, लेकिन क्या करूँ, खाना तो ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन भी खाना के बिना रह नहीं सकते हो, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार तंग आ गई हूँ, आज नहीं बनाना, लेकिन आखिर करना ही पड़ता है, क्या करूँ।
तो यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है ना, सब्ज़ी मेरे मसाले दे दिए हैं और सब्ज़ी अच्छे से फ्राई भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा मैं ग्रेवी दूंगी, लेकिन जो है ना सब्ज़ी सूखते सूखते मुझे लगा कि नहीं अब पानी दूंगी तो कहीं बेकार ना लगे, तो इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। बस मसाले में भी जो मैंने थोड़ा सा पानी उसको खंगाल के ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैं अभी बाबू को लेके किचन में ही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।